हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का अगर पेपर 1.5 घंटे का होता है तो पेपर का पैटर्न कैसा होगा, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे और कितने नंबर्स का पेपर होगा, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में हुआ क्या है कि 24 तारीख को बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का बैक पेपर हुआ है, वो 1.5 घंटे का हुआ है। तो अवध विश्वविद्यालय में पहली बार बीएड का पेपर 1.5 घंटे का हुआ है, तो मुमकिन है कि अगर रेगुलर पेपर भी हो तो वो भी 1.5 घंटे का होगा, मुमकिन है, पॉसिबिलिटी है। तो आइए पेपर फॉर्मेट को समझते हैं कि 1.5 घंटे के पेपर में कितने क्वेश्चंस आए थे और अटेम्प्ट कितने क्वेश्चन करने थे। तो दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन पे जो पेपर है वो बैक पेपर का पेपर है जो 1.5 घंटे का हुआ था, 80 मार्क्स का हुआ था। यहाँ पे ऊपर 2020 लिखा है, लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि 2020 में जो रेगुलर पेपर हुआ था वो 3 घंटे का पेपर हुआ था। तो ये जो पेपर है वो 2021 में हुआ था, 2020 इसलिए लिखा है क्योंकि ये बैक पेपर था, इसलिए यहाँ पे 2020 लिखा है, वरना ये क्वेश्चन पेपर 2021 का है, 1.5 घंटे का और 80 मार्क्स का। तो क्वेश्चन फॉर्मेट को समझ लीजिए पहले। पिछली साल की तरह इस साल भी ये क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइड था, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। आइए विस्तृत से देखते हैं कि इसमें कितना क्वेश्चंस करना था। आपके सामने ये है कि सेक्शन ए में देखिए, यह सभी प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित है। खंड अ से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, खंड ब से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और खंड स से किन्हीं 1 प्रश्नों के उत्तर। देखिए पूरा पेपर दिखाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, इसलिए मैंने उसको समराइज यहाँ कर दिया है। बाकी पेपर में क्वेश्चंस क्या थे वो भी एक वीडियो में बताया जाएगा। यहाँ पे पेपर पैटर्न समझ लीजिए। सेक्शन ए में देखिए, सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन करने हैं और ईच क्वेश्चन इज अबाउट टू 50 वर्ड्स, यानी कि 50 शब्दों के अंत के लगभग में आपको जवाब देना है। देखिए यहाँ पे सेक्शन ए में क्या लिखा है, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में, यानी कि हर एक क्वेश्चन 4-4 अंक का है, 20 नंबर के टोटल क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे और इसके लिए आपको 10 क्वेश्चंस दिए गए थे। गाइस बहुत ही आसान पेपर फॉर्मेट आया था 1.5 घंटे के परीक्षा फॉर्म में, और अगर 1.5 घंटे का रेगुलर पेपर भी होता है तो इसी तरह से पेपर होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर एक में 10 क्वेश्चन दिए थे, 10 क्वेश्चन दिए थे और 10 क्वेश्चन में किन्हीं 5 क्वेश्चंस को करना है, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का, यानी कि एक चीज़ समझ में आ गई, 10 क्वेश्चन में आपको करना कितना है 5, आपके पास टोटल यूनिट आपके पास 5 है और 5 यूनिट से टोटल 10 क्वेश्चन, मतलब 1 यूनिट से लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको टोटल 5 ही क्वेश्चन करना है। एक चीज़ कन्फर्म आ गई कि अगर आप शुरू के 3 यूनिट अच्छे से पढ़ जाएं या फिर आखिरी के 3 यूनिट अच्छे से पढ़ जाएं या फिर पूरे 5 यूनिट में से कोई सा भी 3 यूनिट पढ़ जाएं तो आप इजिली इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं, वो भी 101%। देख लीजिए, आप स्वयं देखिए कि आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। दोस्तों एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो 5x4 यानी कि 5 क्वेश्चन आपको करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का है, टोटल 20 नंबर का। ये पेपर सेकेंड है, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, जो मैथ्स का पेपर था उसमें मार्क्स थोड़े से डिफरेंट थे, फॉर्मेट बिल्कुल सेम था, मार्क्स थोड़े से डिफरेंट थे। मतलब उसमें क्या हुआ था, सेक्शन ए था वो 5x2 में था, यानी कि 2-2 नंबर का था, लेकिन सेक्शन बी में मार्क्स बढ़ गए थे। तो मार्क्स थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं लेकिन फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहेगा अगर 1.5 घंटे का पेपर होता है तो। अब बात करते हैं सेक्शन बी का फॉर्मेट क्या है। तो दोस्तों 1.5 घंटे पेपर का जो मज़ा है ना वो सेक्शन बी का मज़ा है। आप देखिए 1.5 घंटे के पेपर में आपको करने कितने क्वेश्चन है, एक बार यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए। यहाँ पे लिखा है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में देने हैं, मतलब आपको यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन मिलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 5 में से कोई 2 करना है और उसमें भी एक ऑप्शन हो गया, या ये कीजिए चाहे ये कीजिए, या आपका दिल करे तो ये या तो ये, मतलब कि ये है कि आपको टोटल 10 क्वेश्चंस हैं इसमें और 10 क्वेश्चंस में किन्हीं 2 क्वेश्चंस को आपको करना है, लेकिन वो 2 क्वेश्चन ऐसे नहीं हो सकते कि आप ये कर लीजिए और ये कर लीजिए, नहीं, मतलब इन दोनों में से कोई 1 क्वेश्चन कीजिए या इन दोनों में से, मतलब 2, 3, 4, 5, 6 इन 5 क्वेश्चन में से कोई 2 क्वेश्चन आपको करना है 1.5 घंटे के पेपर में, यानी 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ये सेकेंड पेपर है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से कुछ पेपर का फॉर्मेट होगा। चलिए मानते हैं अगर रेगुलर में शायद ये भी मुमकिन है कि ये ऑप्शन वाला ना आए, ऑप्शन वाला, लेकिन फॉर्मेट बिल्कुल ऐसा ही रहेगा कि आपके 5 सवाल दिए होंगे, 5 में से किन्हीं 2 को करना है और यहाँ भी अगर यूनिट वाइज बात करें तो 5 क्वेश्चन, मतलब कि हर यूनिट से 1 क्वेश्चन आना है। तो अगर हम 2 यूनिट भी प्रिपेयर कर लेते हैं अच्छे से
तो हम दो क्वेश्चन इजिली अटेम्प्ट कर लेंगे। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको तीन यूनिट बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, तीन यूनिट कवर कर लीजिए, इजिली आप एग्जाम्स अटेम्प्ट कर लेंगे अगर डेढ़ घंटे का पेपर होता है तो। ठीक है, ये था सेक्शन बी का। सेक्शन बी में टोटल 5 क्वेश्चन थे और 5 में से किन्हीं 2 को आपको करना है। अब बात करते हैं सेक्शन सी की। दोस्तों डेढ़ घंटे का पेपर और सेक्शन सी, मजे ही मजे हैं। मजे किस लिए हैं ये देखिए, आपको किसी एक प्रश्न को उत्तर देना है। यहाँ पे क्या, किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में, और एक सवाल 30 नंबर का। ओ माय गॉड, मतलब 1 2 3 4 क्वेश्चंस में आपको किसी एक क्वेश्चन का जवाब देना है, और वो एक ही इकलौता क्वेश्चन ही 30 नंबर का हो गया। मतलब अगर बस पासिंग की बात करें तो कोई बंदा एक यूनिट भी पढ़ जाए तो उसमें से 30 नंबर का अटेम्प्ट कर ले तो बंदा पास हो जाएगा। मतलब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 4 क्वेश्चंस, कोई भी 2 यूनिट पढ़ लिया जाए तो इजिली अटेम्प्ट हो जाएगा। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 2 यूनिट आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, मतलब 2 यूनिट ऐसे पढ़ लीजिए कि जहाँ से भी क्वेश्चन आए अटेम्प्ट कर लेंगे, और 1 यूनिट आप अच्छे से पढ़ लीजिए, मतलब उसको भी पढ़ लीजिए, बाकी 2 यूनिट चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, आप इजिली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। बट फिर भी जो बहुत अच्छे स्टूडेंट है वो 5 के 5 यूनिट पूरा पढ़ें। ठीक है, अब कोई हो सकता है कोई स्टूडेंट ऐसा हो कि सेक्शन ए में जो क्वेश्चन आया था, सेक्शन ए में आपके 10 क्वेश्चंस में कई 5 करना था, तो हो सकता है कोई ऐसे भी बंदे हो वो 10 का 10 आंसर लिख दें और कहेंगे चेक एनी 5 हो सकता है भाई, क्यों नहीं। तो मतलब फॉर्मेट कुछ ऐसा है, फर्स्ट सेक्शन ए में 10 में से आपको 5 करने हैं, सेक्शन बी में आपके 5 क्वेश्चंस में किसी 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, और सेक्शन सी में किसी 4 क्वेश्चन का में से किसी एक को अटेम्प्ट करना है। कोई भाई अगर चाहता है कि चारों अटेम्प्ट कर लें, चलो भाई बहन भी बुरा नहीं मानना, कोई भाई या बहन चाहता है कि हम अपने 4 में चारों अटेम्प्ट करें, इट्स फाइन, आप चारों अटेम्प्ट कर लीजिए, नीचे लिख दीजिएगा चेक एनी वन एज योर विश, मतलब ऐसा नहीं करते हैं, ओके। तो ये था बच्चों क्वेश्चन का फॉर्मेट कि कैसे क्वेश्चन आना है। एक चीज़ से तो बातें क्लियर हो गई कि फॉर्मेट, अगर डेढ़ घंटे का पेपर होगा ना तो फॉर्मेट इजी होगा। ठीक है, फॉर्मेट इजी किस लिए होगा, हमें नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे उसमें से हमें चांसेस ज़्यादा मिल जाएंगे कि हमें करना कौन है। ठीक है, अब देखिए 2 पेपर मेरे पास हैं, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग और मैथ्स का पेपर। तो इन डेढ़ घंटों के पेपर में क्वेश्चन क्या क्या आया था वो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा। इस वीडियो में बस हम फॉर्मेट की बात कर रहे थे कि पेपर फॉर्मेट कैसा होगा। दोस्तों जेन टॉक के नाम से मेरा चैनल है यूट्यूब पे, अवध विश्वविद्यालय से संबंधित मैं वीडियो बनाता हूं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ते हैं तो। प्लीज़ फीडबैक जरूर दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई फीडबैक देता है कि मेरा वीडियो कैसा लगा उनको। अगर पॉजिटिव फीडबैक है तब भी दीजिए, नेगेटिव फीडबैक है तब भी दीजिए, मैं अपनी वीडियोस को इम्प्रूव करूंगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको पेपर फॉर्मेट समझ में आ गया होगा कि पेपर फॉर्मेट कैसे आना।